हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले एक न्यूली लॉन्च बैडमिंटन रैकेट जो हमें तानसू कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है, जिसका मॉडल नेम है अराशी 1.0। कुछ दिनों से मैं इस रैकेट को अमेजोन में देख रहा था, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, तो मैं बोला चलो इस रैकेट को मंगाया जाए एंड इस रैकेट से खेला जाए। एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इस रैकेट को लेकर, मैं सारी चीजें आज की वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले इस रैकेट की खासियत की बात करें तो जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट। साथ साथ हेडशिप की बात करें तो हमें आइसोमेट्रिक देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस मॉडल में आपको तीन कलर देखने को मिल जाएंगे, पहला है ग्रीन, दूसरा है ऑरेंज एंड तीसरा है ब्लू। तो जैसे जैसे रैकेट के कलर चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से इसके बैलेंस पॉइंट भी चेंज होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा ग्रीन वाला है इसका जो बैलेंस पॉइंट आपको 295 mm देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसके शाफ्ट में भी यहां लिखा हुआ है। तो 295 जनरली डिटरमाइन करता है इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट, माने इस रैकेट का जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रैकेट। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है ऑरेंज वाला, जिसका बैलेंस पॉइंट है 305 mm, जो कि थोड़ा सा हेड हैवी डिटरमाइन करता है, माने इस रैकेट का मैक्सिमम वेट इसके हेड पे शिफ्टेड है। एंड उसके बाद हमारा आता है अराशी 1.0 का ब्लू कलर वाला, जैसे कि आप देख सकते हो इसका बैलेंस पॉइंट है 315 mm देखने को मिलता है, माने इसका भी वेट काफी ज्यादा इसके हेड पे शिफ्टेड है। जैसे ये 305 mm है तो इसका भी इवन बैलेंस से थोड़ा सा ज्यादा हेड हैवी है, लेकिन ये इवन बैलेंस से थोड़ा और ज्यादा हेड हैवी है, माने इसमें मैक्सिमम थोड़ा सा इसके हेड पे शिफ्टेड ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये ऑरेंज वाला। तो जब आप इस रैकेट को पकड़ोगे तो आपको थोड़ा फील होता है कि हाँ, इसका जो वेट शिफ्टेड है थोड़ा सा हेड की तरफ देखने को मिलेगा, एंड जब आप खेलोगे तो भी पता लगेगा। एंड ये तीनों रैकेट में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा आगे इस वीडियो में बात करेंगे। ओवरऑल रैकेट की वेट की बात करें तो ये तीनों ही आपको 77 ग्राम में देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल वेट और बैलेंस पॉइंट दोनों ही डिफरेंस होता है, माने तीनों रैकेट का वेट तो सेम है लेकिन जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है, उसे हम बैलेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे कि मैं ग्रीन वाले को बताया था पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाद जो ऑरेंज वाला है इसमें थोड़ा सा हेड में थोड़ा सा शिफ्टेड है, एंड जो ये ब्लू वाला है उसमें थोड़ा सा ज्यादा ही हेड पे शिफ्टेड है इसका वेट। रैकेट के फ्रेम की बात करें तो आपको यहाँ इनर साइड तानसू लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, एंड उसके बाद रोबोटिक टाइप के पैटर्न बने हुए हैं, एंड यहाँ नीचे में लिखा इंजीनियर्ड तानसू ग्रेफाइट, जो कि मटेरियल है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप इस रैकेट में मैक्सिमम 30 lbs तक लगा सकते हो। वैसे जब आप इस रैकेट को लोगे तो इसमें आपको कंपनी की तरफ से 22 lbs के अराउंड देखने को मिल जाएगा इसका टेंशन। इस रैकेट में आपको 76 ग्रूमेंट देखने को मिल जाते हैं, ये हमारे रैकेट का टी जॉइंट जो कि सिंगल पीस टी जॉइंट है जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इसके टी जॉइंट में आपको तानसू का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो जो कलर का रैकेट है उस कलर से आपको इसका लोगो देखने को यहां मिल जाएगा। ये हमारा रैकेट का शाफ्ट, यहां आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है जो कि अराशी 1.0। रैकेट के शाफ्ट के दोनों साइड आपको देखने को मिलता है ये, एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड साइड में आपको यहां वेट बैलेंस पॉइंट एंड टेंशन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आपको यहां मीडियम फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, एंड शाफ्ट डायमीटर की बात करें तो आपको 7 mm देखने को मिल जाता है, तो ज्यादा पतला भी नहीं है ज्यादा मोटा भी नहीं, आपको मीडियम शाफ्ट देखने को मिल जाएगा इसका थिकनेस। ये हमारा रैकेट का हैंडल कैप, यहां आपको दोनों तरफ तानसू की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ग्रिप साइज की बात करें तो हमें G4 देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, एंड यहां आपको तानसू का लोगो देखने को मिल जाएगा इसके एंड में। फाइनली इस तीनों रैकेट की प्राइस की बात करें तो ये आपको पर रैकेट 1499 rupees में देखने को मिल जाएगा, एंड अभी नवंबर मंथ के लिए सेल चल रहा है तो ये आपको 1299 rupees में देखने को मिल जाता है। वैसे मैं काफी टाइम से लाइक 2-3 महीने से इस रैकेट का प्राइस चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऑब्वियसली रेटिंग काफी अच्छी है तो मैं भी देखते रहता हूँ कि कौन सा रैकेट रिव्यू करने लायक है। तो उस समय तो प्राइस 1499 से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन खाली नवंबर मंथ के लिए अभी सेल चलने के कारण आपको 1299 rupees में देखने को मिल जाएगा अमेजोन में। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो। चलिए अब ये तीनों रैकेट के साथ खेल लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगा, एंड ये तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। I'm not afraid of the dark.
सो गाइस फाइनली मैंने ये तीनों रैकेट से खेल लिया और ये तीनों ही रैकेट अपनी जगह काफी बढ़िया है। तो सबसे पहले ग्रीन वाली की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बताया इसका जो बैलेंस पॉइंट है आपको 295 देखने को मिलता है जो कि इवन बैलेंस है। तो जब आप इस रैकेट को पकड़ोगे खेलोगे तो आपको काफी ज्यादा लाइट फील होगा कंपेयर टू ये दोनों रैकेट से। ऑल्दो तीनों का वेट सेम है लेकिन जो बैलेंस पॉइंट डिफरेंट होने के कारण ही आपको थोड़ा लाइटर फील होता है। अलॉन्ग विद दैट जो इसका रैकेट का स्विंग स्पीड है आपको काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा, वो चाहे ड्राइव्स हो गए पैरेलल हो गए। रैकेट के पावर की बात करो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा शॉट लाइक स्मैशेस एंड क्लियर टॉस। मेरे हिसाब से ओवरऑल ये एक बैलेंस टाइप का बैडमिंटन रैकेट है। तो ऑरेंज वाले की बात करें तो जैसे कि मैं बताया इसका जो बैलेंस पॉइंट है आपको 305 mm देखने को मिलता है जिसके कारण आपको इसके हेड में एक्स्ट्रा वेट देखने को मिलेगा कंपेयर टू ये ग्रीन वाले से। एंड पावर वगैरह में इसमें दिक्कत नहीं आता। बाकी जो स्विंग स्पीड की बात कर ले तो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है कंपेयर टू ये ग्रीन वाला। बाकी जो मैक्सिमम हेड हैवी टाइप के बैडमिंटन रैकेट आते हैं वो आपको 305 mm के ही देखने को मिलते हैं। फाइनली ब्लू वाले की बात कर ले तो जैसे कि मैं बताया इसका जो बैलेंस पॉइंट है आपको 315 mm का देखने को मिलता है। तो 315 mm वाले बैलेंस पॉइंट वाले रैकेट हमें थोड़े से कम ही देखने को मिलते हैं जिसके कारण इसके जो हेड में एक्स्ट्रा वेट देखने को मिलता है कंपेयर टू दिस ऑरेंज वाला एंड ग्रीन वाला। ऑब्वियसली जब आप इस रैकेट को नॉर्मली पकड़ोगे भी तो ऑब्वियसली आपको पूरा फील होता है कि इसके हेड में एक्स्ट्रा वेट है। बाकी जो स्विंग स्पीड है थोड़ा सा दिक्कत होता है, फोरआर्म में अगर स्ट्रेंथ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी रैकेट में पावर बहुत ही अच्छा है, अगर आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ अच्छी टेक्निक से मारते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पावर जनरेट कर सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूं ये इवन बैलेंस वाला बैडमिंटन रैकेट और ये एक्स्ट्रा हेड हैवी वाला बैडमिंटन रैकेट से तो इसमें आपको लाइक शटल में उतना पावर नहीं लगाना पड़ता, थोड़े से कम पावर में भी शटल दूर तक चले जाती है एंड इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर ऐड करना पड़ता है। बाकी स्विंग स्पीड बहुत सही है इसका रैकेट का एंड इसका थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होता है वही, लेकिन बताया ना जैसे कि फोरआर्म में अच्छा स्ट्रेंथ है तो दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आप एक बिगनर हो तो मैं बिल्कुल भी ये वाला रैकेट नहीं सजेस्ट करूंगा, आप ये दोनों में से ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको थोड़ा सा पावरफुल गेम खेलना मोस्ट ऑफ द टाइम पसंद है तो आप ये दोनों में से ट्राई कर सकते हो एंड अगर आपको एक बैलेंस बैडमिंटन रैकेट भी देख रहे हो तो ये वाला ट्राई कर सकते हो। तो तीनों ही रैकेट अपने जगह बहुत सही है। अभी तक मैंने इस प्राइस पॉइंट में सेम मॉडल के रैकेट विद डिफरेंट बैलेंस पॉइंट नहीं देखे है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो आप अपने गेम स्टाइल के हिसाब से ये तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। बाकी जाते आते रैकेट के कवर की बात कर ले तो यहाँ आपको तानसो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ कुछ लाइन बने हैं एंड पीछे साइड में लिखा है बाउंस बैक ऑलवेज। कवर आपको पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। पैडिंग की बात करें तो काफी अच्छा पैडिंग हुई है अंदर जिससे आपका रैकेट रहेगा सेफ एंड चेन की भी क्वालिटी हमें काफी बढ़िया देखने को मिलती है जिसके ऊपर तानसो की ब्रांडिंग भी हुई है। गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसे टाइप की वीडियो को बनाने के लिए। Yeah.